किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था, अचानक कहीं से एक छोटा चूहा आया। वह शेर के ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया और बोला, तेरी ऐसी हिम्मत मेरे ऊपर उछल कूद कर रहा है, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। चूहा घबराकर बोला, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए, हो सकता है मैं कभी आपके काम आ सकूं। चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसा, लेकिन दया कर उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया और बाहर निकलने के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा और जाल काटने की कोशिश करने लगा। तभी चूहे को शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनते ही वह शेर के पास जा पहुंचा। अरे महाराज, आप जाल में कैसे फंस गए? आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको मुक्त करता हूँ। ये कहकर चूहे ने जाल काट दिया और शेर जाल से मुक्त हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, चूहे भाई, तुमने आज मुझे जाल से छुड़ाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये उपकार हमेशा याद रखूंगा। आज मुझे ये समझ आ गया है, छोटा हो या बड़ा, हर जीव का अपना एक महत्व होता है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो उसका फल हमें कभी ना कभी जरूर मिलता है। शेर बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक लाइक कर प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग किड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़।